चड्ढा से बिना शर्त मांगी माफी। बॉम्बे हाई कोर्ट में पायल ने अपने बयान पर जताया अफसोस। ऋचा के मानहानि नोटिस के बाद बैकफुट पर पायल। अनुराग कश्यप के खिलाफ लगाए आरोपों पर कायम। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ऋचा चड्ढा से बिना शर्त माफी मांगते हुए अपने बयान पर दुख जाहिर किया। यौन उत्पीड़न मामले में ऋचा के 1,10,00,000 मानहानि नोटिस के बाद पायल ने हाईकोर्ट में माफी मांगते हुए उस विवाद को खत्म कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया जिसे देखकर लगता है कि अब वो ऋचा पर नरम पड़ गई हैं। पायल घोष ने सोशल मीडिया पर अब स्पष्ट कर दिया है कि उनकी लड़ाई सिर्फ अनुराग कश्यप के खिलाफ है, उनका ऋचा चड्ढा से कोई लेना देना नहीं है। वो ट्वीट कर लिखती है, ऋचा चड्ढा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। महिला होने के नाते हमें एक दूसरे संग खड़ा होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि उनका या मेरा किसी भी तरह से उत्पीड़न हो। मेरी लड़ाई सिर्फ अनुराग कश्यप के खिलाफ है, मैं उसी पर फोकस करूंगी। लोगों को उनका असली चेहरा दिखना चाहिए। पायल घोष का ये ट्वीट दिखाता है अब उन्होंने ऋचा के खिलाफ नरम स्टैंड लिया है। मानहानि नोटिस के बाद उनके खिलाफ बोलने से बचने वाली ही हैं, लेकिन अनुराग के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहने वाली है। पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ आरोप लगाते हुए ऋचा और दो अन्य अभिनेत्रियों का नाम विवाद में घसीटा था। ऋचा ने अभिनेता कमाल खान को बाद में प्रतिवादी बनाया था। बुधवार को पायल के वकील नितिन सतपुते ने हाईकोर्ट से कहा कि पायल को अपने बयान को लेकर अफसोस है और ये ऋचा की मानहानि करने के इरादे से नहीं दिया गया था। पायल घोष ने वर्सोवा पुलिस थाने में 23 सितंबर को एक FIR दर्ज कराकर अनुराग कश्यप पर उनसे साल 2013 में बलात्कार करने का आरोप लगाया था। हालांकि अनुराग कश्यप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने उनसे पिछले हफ्ते आरोप के सिलसिले में पूछताछ भी की है। पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।